प्रियंका चोपड़ा फाइनली शादी के 3 साल बाद मां बन चुकी हैं। बता दें आपको, 1 दिसंबर साल 2018 में अमेरिकन सिंगर एक्टर निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा शादी के बंधन में बंधी थी। वहीं शादी के कुछ महीनों बाद ही फैंस इंतजार करना शुरू कर दिए कि आखिरकार कब प्रियंका चोपड़ा गुड न्यूज देंगी, आखिरकार कब निक और प्रियंका पेरेंट्स बनेंगे। फाइनली निक और प्रियंका पेरेंट्स क्लब में शामिल हो चुके हैं। शादी के 3 साल बाद निक और प्रियंका पेरेंट्स बन चुके हैं। फाइनली निक और प्रियंका पेरेंट्स क्लब में शामिल हो चुके हैं। शादी के 3 साल बाद निक और प्रियंका के घर किलकारियां गूंज उठी हैं। लेकिन सरोगेसी के जरिए बीते शुक्रवार की रात निक और प्रियंका ने सोशल मीडिया के जरिए इस गुड न्यूज को शेयर किया कि उनके घर नन्हा सा मेहमान आ चुका है। सरोगेसी के जरिए वह अपने बच्चे का स्वागत कर रहे हैं और तब से बधाइयों का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ निक और प्रियंका पेरेंट्स बन चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ सोशल मीडिया पर कई सेलिब्रिटीज अपने दिल की बात भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, निक और प्रियंका को बधाई संदेश भेज रहे हैं। लेकिन इसी दौरान लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने सरोगेसी का रास्ता क्यों चुना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, लोग जानना चाहते हैं कि निक और प्रियंका ने ये फैसला क्यों लिया। एक्चुअली सो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं, कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ दावे किए जा रहे हैं कि आखिरकार निक और प्रियंका ने किस वजह से ये फैसला लिया था। देखिए ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल कपल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की घर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। फाइनली शादी के 3 साल बाद निक और प्रियंका पेरेंट्स बन चुके हैं। बीते शुक्रवार की रात निक और प्रियंका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, बताया कि वह पेरेंट्स बन चुके हैं। निक और प्रियंका ने गुड न्यूज देते हुए लिखा था, हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने सरोगेसी के जरिए अपने बच्चे का स्वागत किया है। इस स्पेशल टाइम में हम अपनी प्राइवेसी की अपील करते हैं, जिससे कि हम अपने परिवार पर फोकस कर सकें। थैंक यू। ये खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बॉलीवुड और हॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे लगातार बधाई संदेश भेज रहे हैं। निक और प्रियंका को ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं निक और प्रियंका के बेबी पर। वहीं दूसरी ही तरफ लोगों के मन में ये सवाल भी है कि आखिरकार प्रियंका चोपड़ा के घर बेटे का जन्म हुआ है या फिर बेटी का। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि निक और प्रियंका के घर एक नन्ही सी परी ने दस्तक दी है। प्रियंका के घर जन्म लिया है जिस बेटी ने, उसका जन्म 15 जनवरी को हुआ था। वहीं दूसरी ही रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि प्रियंका और निक के बच्चे ने डिलीवरी डेट से 12 हफ्ते पहले जन्म लिया है, यानी कि प्रियंका और निक का बेबी प्रीमैच्योर बेबी है। रिपोर्ट्स की माने दावा किया जा रहा है कि प्रियंका और निक की बेटी ने डिलीवरी डेट से 12 हफ्ते पहले साउदर्न कैलिफोर्निया हॉस्पिटल में जन्म लिया है। जब तक न्यूबॉर्न बेबी हेल्दी नहीं हो जाती है, तब तक उसे हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही निक और प्रियंका बेबी को घर ले जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ सोशल मीडिया पर विवाद खड़े होते हुए भी नजर आया है। निक और प्रियंका सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी कर रहे हैं। सरोगेसी का सहारा लिया है निक और प्रियंका ने पेरेंट्स बनने के लिए। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो प्रियंका चोपड़ा को लेकर और भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं।
जहां एक तरफ निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा पेरेंट्स बन चुके हैं, वहीं लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कपल ने सरोगेसी का सहारा क्यों लिया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन पोस्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि प्रियंका के फर्टिलिटी इशू की वजह से निक और प्रियंका ने सरोगेसी का सहारा लिया है। ऐसे पोस्ट पर सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शंस भी मिल रहे हैं। कुछ प्रियंका चोपड़ा के पक्ष में बात कर रहे हैं, तो वहीं प्रियंका और निक के इस फैसले को सही भी बता रहे हैं। बता दें आपको, कुछ सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि प्रियंका चोपड़ा को कोई भी फर्टिलिटी इशू नहीं है, लेकिन वह अब 39 इयर्स की हो चुकी हैं और उनके लिए ये आसान नहीं होता। वहीं उनके बिजी वर्किंग शेड्यूल की वजह से और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। दोनों का साथ रहने का वक्त भी काफी रिपीट। निक और प्रियंका को साथ रहने का वक्त भी काफी कम मिलता है, ऐसे में उन्होंने सरोगेसी का रास्ता चुना है, ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी ही तरफ सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि निक और प्रियंका महिला से एक एजेंसी की मदद से मिले और महिला की ये पांचवी सरोगेसी है। निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा उस महिला से मिले और उन्हें वह अच्छी लगी। बच्चे का जन्म अप्रैल के महीने में होना था, लेकिन प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है। निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बने हैं, ऐसा तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि फर्टिलिटी इशू की वजह से प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने ये बड़ा कदम उठाया है, सरोगेसी का रास्ता चुना है पेरेंट्स बनने के लिए। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो सिर्फ निक और प्रियंका ही बता सकते हैं। सरोगेसी के जरिए ना सिर्फ प्रियंका चोपड़ा मां बनी है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम सितारे हैं जो सरोगेसी का सहारा ले चुके हैं। इस लिस्ट में फेमस डायरेक्टर करण जौहर, एकता कपूर, तुषार कपूर, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, कई सेलिब्रिटीज के नाम शामिल है। निक और प्रियंका भी अब सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बन चुके हैं। आप सभी ने देखा जाना कि निक और प्रियंका को लेकर ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल देखा जाए ये तमाम पोस्ट वायरल हो रहे हैं, लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है, ये तो सिर्फ निक और प्रियंका ही बता सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट।